नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली कंपनी अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को देगी झटका। बिहार में वज्रपात से बचाने को लगेगा हुतर। सरकार खिलाड़ियों को किट व उपकरण के लिए देगी सहायता। बीपीएससी ने जारी किया 51 परीक्षाओं का कैलेंडर। आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बेल ने 111 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर के कुल मिलाकर 111 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होने के साथ ही 6 महीने से 2 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.bell.india.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार पुस्तक मेला इस वजह से बनेगा बेहद खास। कोरोना के बाद एक बार फिर से राजधानी पटना में पुस्तक मेला लगने के लिए तैयार है। सेंटर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस मेले में बिहार से लेकर देश के कई राज्यों से संचालित हो रहे प्रकाशन की पुस्तक उपलब्ध रहेगी। वहीं इस बार यह मेला इस वजह से खास होने वाला है क्योंकि जानकारी के मुताबिक इस बार मेले का प्रमुख कार्यक्रम जन संवाद होगा, जिसमें देश भर से अनेक प्रमुख कलाकार शामिल होंगे। आपको बताते चले कि यह मेला आगामी 2 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा, जो कि 13 दिसंबर तक चलेगा। बीपीएससी ने जारी किया 51 परीक्षाओं का कैलेंडर। बीपीएससी ने आगामी 51 विभिन्न परीक्षाओं के कैलेंडर जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इन परीक्षाओं में नवंबर व दिसंबर 2022 व 2023 में होने वाली परीक्षाओं की तिथि शामिल है। बीपीएससी के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग के अधीन होने वाले परीक्षा के हैं। इसके तहत प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित होगी। इसका परिणाम 3 जनवरी 2023 को जारी किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर जरूर विजिट करें। बिहार सरकार ने प्रखंड प्रमुख का कद बढ़ाया। बिहार सरकार ने प्रखंड प्रमुख का कद और भी बढ़ा दिया है। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइन योजना में प्रखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होंगे। अभी तक BDO प्रखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष होते थे, लेकिन अब नियमावली में बदलाव कर प्रखंड अध्यक्ष को यह पद दिया गया है। इस संबंध में पंचायत विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं सभी जिलों के DM को मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति बनाने को कहा गया है। श्रीनाथ बाबा मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई ऐसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दर्शनीय स्थल है जो आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है श्रीनाथ बाबा मंदिर। श्रीनाथ बाबा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां बड़ी संख्या में भक्त पूजा करने आते हैं। यह एक पवित्र और दिव्य स्थान है और इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था अविश्वसनीय है। मंदिर हमेशा भक्तों से गुलजार रहता है और यहां की आंतरिक सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। बिहार बोर्ड ने छात्रों को दी बड़ी राहत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सरकारी स्कूल के कोई भी कागजात में सुधार की प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। समिति ने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। DMS लागू होने से अब किसी भी जिले को या झारखंड जिले के किसी भी स्टूडेंट्स को अपनी सुविधा के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अपने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और अन्य विविध परीक्षाओं से संबंधित कागजात में सुधार और डुप्लीकेट अंक पत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। IPS आदित्य कुमार के सरेंडर नहीं करने पर EOU कर सकती है कुर्की। फरार चल रहे IPS अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ इस्तेहार जारी हो सकता है। आर्थिक अपराध इकाई आदित्य कुमार के घर सरेंडर नहीं करने पर कुर्की करवा सकती है। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई इस्तेहार जारी कर सकती है। मालूम हो कि IPS आदित्य कुमार के इशारे पर उसके दोस्त अभिषेक अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश के नाम पर अधिकारियों को कॉल किया था। बिजली कंपनी अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को देगी झटका। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अधिक बिजली खपत होने की शिकायत के बाद
आज बिजली कंपनी ने विशेष व्यवस्था करने जा रही है। बिजली कंपनी ने तय किया है कि खपत के आधार पर अगर उपभोक्ता अपने कनेक्शन का लोड नहीं बढ़ाते हैं तो वह स्वयं लोड को बढ़ा देगी। इस बारे में बिजली उपभोक्ता के मोबाइल पर इस बारे में मैसेज भेज दिया जाएगा। दरअसल बिजली कंपनी ने जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उठने वाले एक्स्ट्रा बिल की एजेंसी के साथ सूक्ष्मता से जांच कराई गई तो यह बात सामने आई कि संबंधित उपभोक्ता ने बिजली कनेक्शन के तहत जो लोड ले रखा है वह खपत के क्रम में यूनिट बढ़ जाने के कारण उसमें बढ़ोतरी हो जा रही। 2-3 किलोवाट का लोड बढ़कर कभी 4 तो कभी और अधिक हो जा रहा है। ऐसा होने से उपभोक्ताओं को दंड का भुगतान करना पड़ रहा और उनकी रिचार्ज राशि अचानक खत्म हो जा रही। बिहार में अब तेजी से गिरेगा पारा। बिहार में बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है जिसके कारण मौसम भी ठंडा बना हुआ है। वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले सप्ताह तक राज्य में ठंड शुरू हो जाएगी। राज्य में फिलहाल पछुआ हवाएं चल रही है जिसके कारण मौसम शुष्क बना हुआ है और ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार पछुआ हवाओं के चलते राज्य में अगले 2-3 दिनों में तापमान में लगभग 4 डिग्री गिरावट की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रविवार के दिन भी पछुआ हवाओं की रफ्तार पहले से तेज होने की संभावना है। बिहार में वज्रपात से बचाने को लगेगा हुटर। बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा बिहार में वज्रपात से हो रही मौत को देखते हुए सभी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकारी भवनों पर हुटर लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को वज्रपात से बचाया जाए और वज्रपात से 40 मिनट पहले लोगों को जानकारी दे दी जाए। बताते चले कि फिलहाल इस हुटर का इस्तेमाल औरंगाबाद, पटना व गया में होगा। इसके अलावा हुटर के अलावा त्वरित चालक भी लगाया जाएगा। बताते चले कि यह यंत्र 130 मीटर के क्षेत्र में गिरने वाले ठनका को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। एपीओ की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। बीते दिन 12 नवंबर से बीपीएससी सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ मेंस 2020 परीक्षा शुरू हुई जो कि 15 नवंबर तक चलेगी। वहीं बीते दिन शुरू हुई इस परीक्षा में देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया। दरअसल शनिवार को परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 8:30 रखा गया था लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जो परीक्षा केंद्र पर सुबह 8:30 बजे के बाद पहुंचे। ऐसे अभ्यर्थियों को कॉलेज प्रशासन और बीपीएससी के प्रशासन द्वारा प्रवेश करने से रोक दिया गया। विलंब से पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना था कि उनके परीक्षा केंद्रों का नाम और लोकेशन सही तरीके से नहीं दिया गया था। यहां तक कि जो केंद्र थे उनका लोकेशन गूगल मैप पर भी नहीं शो कर रहा था। इसी कारण वे लोग परीक्षा केंद्र ढूंढने में परेशान हुए और देर से पहुंचे। वहीं बीपीएससी की ओर से देर से आने वालों को प्रवेश देने पर सख्त मनाही रखी गई। इससे अभ्यर्थियों को गुस्सा फूट पड़ा। ईंट भट्टे लगाने के लिए नियम किए गए सख्त। केंद्र सरकार के आदेश के बाद खान एवं भू तत्व विभाग ने नए ईंट भट्टे की स्थापना के लिए नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय की पहली प्राथमिकता ईंट भट्टे के होने वाले प्रदूषण को रोकना है। खान और भू तत्व विभाग से मिली जानकारी के नए नियमों के तहत भविष्य में भट्टे केवल अनुमोदित प्राकृतिक गैस, कोयला, कृषि अवशिष्टों से ही संचालित होंगे। भट्टे के लिए चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई बढ़ाई गई है। जिन भट्टों की क्षमता 30,000 ईंट प्रतिदिन से उन्हें चिमनी की ऊंचाई 14 मीटर रखनी होगी। वहीं 30,000 से अधिक ईंट निर्माण करने वाले भट्टों को 16 मीटर ऊंची चिमनी की व्यवस्था करनी होगी। विभाग के अनुसार धुआं निकालने के लिए चिमनी की ऊंचाई बढ़ने से भट्टे के आसपास प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। पीयू छात्र संघ चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए की गई व्यवस्था। वीवी में छात्र संघ के लिए नामांकन खत्म होने के बाद राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। बता दें कि सभी उम्मीदवार वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह के व्यवस्थाओं को उनके लिए कर रहे हैं जिनमें एक तरफ अगर वोटर्स को गोलगप्पा के साथ चौमिन दी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर उम्मीदवार वादों की लंबी लंबी लिस्ट दे रहे हैं। बता दें कि कॉलेज के पास 2 दिनों से आइसक्रीम और गोलगप्पे फ्री में खिलाए जा रहे हैं। इसके साथ सभी छात्र संगठन चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बताते चले कि इस चुनाव में सेंट्रल पैनल के लिए 44 व काउंसलर के लिए 80 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन करवाए गए हैं। 14 नवंबर को आपत्ति के बाद उम्मीदवारों के नामों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी और 19 नवंबर की सुबह 8 बजे से 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार खिलाड़ियों को किट व उपकरण के लिए देगी सहायता। बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल उपकरण और किट्स हेतु सहायता राशि प्रदान करने के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष का गठन किया गया है जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 नवंबर तक निर्धारित की गई है। बताते चले कि आवेदन उन्हीं खिलाड़ियों के द्वारा भरे जा सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्तिगत या दलीय खेल स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त
प्राप्त कर चुके हैं अथवा वैसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। आवेदन करने के लिए खिलाड़ी विभाग की वेबसाइट state.bihar.government.in/YEC पर जाकर कर सकते हैं। बिहार के 261 शहरों में EBC सर्वे पूरा। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर 261 नगर निकायों में अति पिछड़ों के सर्वे कर 1050 वार्डो के करीब 52,000 परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता लगा लिया गया है, जिसके बाद EBC आयोग आरक्षण की संस्तुति चुनाव आयोग को भेजेगा, जहां हाईकोर्ट के द्वारा सर्वेक्षण का सार निकाल लिया जाएगा तथा मंतव्य के साथ अध्ययन रिपोर्ट भेज दी जाएगी। बताते चले कि सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक वार्ड में 50 परिवार चिन्हित किए गए थे। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार महिला निकली सोशल मीडिया के स्टार। 1 नवंबर को अवैध तरीके से भारत में बिना वीजा के प्रवेश पर भारत नेपाल सीमा पर गलगलिया के पास गिरफ्तार की गई महिला फरीदा मल्लिक उर्फ सना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी चर्चित चेहरा है। बता दें कि फरीदा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद को डांसिंग क्वीन बता रही है। इसके साथ ही उसके पेज पर बड़ी संख्या में फॉलोवर भी है। हालांकि इस पर केंद्र व राज्य की जांच एजेंसी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार के सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार। बिहार की सियासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के खिलाफ आए एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका दायर इन बातों को कहकर की गई थी कि जदयू का महागठबंधन के साथ सरकार में आना गलत है, जिस पर जस्टिस MR शाह और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ के द्वारा खारिज कर दिया गया है। कोर्ट के अनुसार जदयू का चुनाव परिणाम आने के बाद उनका नए गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेना संविधान के अनुरूप ही है। कुडनी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी का ऐलान। बीते दिन शनिवार को कुडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा महागठबंधन प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जदयू की ओर से वर्ष 2005 और 2010 में कुडनी से जदयू विधायक रह चुके मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पिछले चुनाव में वहां से राजद उम्मीदवार ने अपने नाम जीत हासिल की थी। महागठबंधन के सहयोगी भी कर रहे शराबबंदी का विरोध। सम्राट चौधरी। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके सरकार के मंत्री भी बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा की गई शराबबंदी को विफल मान रहे हैं। आज के समय में नीतीश कुमार का इकबाल पार्टी के अंदर और उनके सहयोगी दलों के अंदर खत्म हो गया है। उनके सहयोगी दलों के द्वारा ही शराबबंदी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी शुरू से ही कहती रही है कि शराबबंदी को और भी अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। बिहार आएंगे जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह। बीते दिन शनिवार को बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि रविवार को यानी कि आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ रूपरेखा को तैयार करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश पटना आ रहे हैं। इस दौरान वे संगठन के तमाम पदाधिकारी के साथ बिहार में यात्रा के संदर्भ को लेकर विचार विमर्श करेंगे। सुशील मोदी पर भड़के ललन सिंह। भाजपा के राज्यसभा सदस्य और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के विपक्षी एकता पर दिए गए विवादित बयान पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया है। अब ललन सिंह ने शनिवार को ट्वीट किया। उन्होंने सोशल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, सुशील जी, विपक्षी एकता की मुहिम टाए टाए फिस होगी या 2024 में भाजपा मुक्त भारत का आगाज होगा, ये तो समय बार बताएगा। बड़े झूठे पार्टी की फितरत ही है एक झूठ को बार बार बोलना। लगता है आप भी इसी फितरत से शिकार है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, समाज सेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद तथा संविधान शास्त्रज्ञ मुकुंद रामा राव जयकर का जन्म 1873 में हुआ। कहानीकार, गदगीत लेखक राय कृष्णदास का जन्म 1892 में हुआ। प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि मुक्तिबोध गजानन माधव का जन्म 1917 में हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रिय रंजन दास मुंशी का जन्म 1945 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री मीनाक्षी सेसादरी का जन्म 1967 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का जन्म 1968 में हुआ। लाहौर में आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आखिरी मुकाबला रविवार यानी आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। ये दोनों ही टीमें इससे पहले एक एक बार यह ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है और जो भी
टीम फाइनल मुकाबले को जीतेगी वो दोबारा इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लेगी। वहीं अभी तक सिर्फ वेस्ट इंडीज ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसने दो बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। वहीं भारतीय टीम एक बार फिर से इस ट्रॉफी की रेस से इंग्लैंड से सेमीफाइनल से हार कर बाहर हो गई। वहीं पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल T20 वर्ल्ड कप मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से खेला जाना है। वायरल खबर में आज बात होगी विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सूचना सच हो ये जरूरी नहीं है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियुक्ति पत्र के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि विद्युत मंत्रालय के नाम से कथित रूप से जारी एक नियुक्ति पत्र में दावा किया गया है कि आवेदक को ग्रेड 1 सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फेक है, विद्युत मंत्रालय ने ऐसा कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है। व्हाट्सएप इस नए फीचर की कर रहा है टेस्टिंग। मेटा के स्वामित्व वाला पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लेकर आता है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए एक और नए फीचर्स पर काम कर रहा है। दरअसल जिस तरह से यूजर्स कई एक्टिव मेंबर्स वाले ग्रुप के मैसेजेस से खुद को रोक सकते हैं वह एक विशेष समूह की सूचनाओं को मैनुअल रूप से इनेबल करना है। हालांकि यह जल्द ही बदलने वाला है क्योंकि व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नए समाधान का परीक्षण कर रहा है जो अपने यूजर्स पर नोटिफिकेशन के बोझ को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविंद्र पासवान, मृत्युंजय कुमार, रंजीत सिंह, योगेंद्र यादव, नुन्नू गोलू कुमार, कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया, मोनू कुमार, रंजीत कुमार, मंगिता भारती, पंकज कुमार दास, नीरज ठाकुर, कुलदीप कुमार, मनोज कुमार, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सरकार के द्वारा बिहार में खेल को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।